थर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स का मतलब होगा आपके आउटपोस्ट शेल में इन आउटर मोस्ट शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी ऑड नंबर, मतलब क्या होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, लाइक दैट, मोस्टली 5 ही रहते हैं, ठीक है। एन एग्जाम्पल इज ओनली फॉर नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आफ्टर बॉन्डिंग। तो ने ये क्या किया, अच्छा माला बोले थे ना, झुकू तो अभी गलत ठीक बस आई सब उनको फोटो, चलो बस एक 10 मिनट बियर कर लो, है ना। सो राइट डाउन द एग्जाम्पल, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पे एग्जाम्पल फिक्स है, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट्स ओके, लिखो नाइट्रिक ऑक्साइड एनओ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो ट्राई टू फॉर्म दी एनो स्ट्रक्चर, अब बनाने की कोशिश करो। ऑक्सीजन कितने बॉन्डिंग करता है, ऑक्सीजन कितने बॉन्डिंग करता है, तो नाइट्रोजन भी कितना करेगा, दो ही करेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी बची, एक, कितनी बची, एक, हाउ मेनी लोन पेयर्स, इसके ऑक्टेट में कितने नंबर, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 1 2 3 4, ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7, सो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन, समझा। एंड द गुड न्यूज इज दैट वी हैव टू एग्जाम्स इन द ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ ट्राई फॉर एनओ टू, एनओ टू का स्ट्रक्चर बनाओ, एनओ टू, ऑक्सीजन के साथ ये कितने बॉन्डिंग करेगा, एक ऑक्सीजन के साथ 2, अभी इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, एक ही बचा, और एक लोन पेयर बचा। अब ये एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन को देगा तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा क्या, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा ये लोन पेयर इसको देगा, सो बेसिकली इन एनओ टू ये किसने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज फ्रॉम लोन पेयर। ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 1, ऑक्सीजन ने कुछ कंट्रीब्यूट किया, ये जो सेकेंड ऑक्सीजन है उसने कुछ कंट्रीब्यूट किया, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6, सो व्हाट इज द ऑक्टेट रूल, नाइट्रोजन का ऑक्टेट रूल कितने हैं, 1 2 3 और ये, समझा। तो दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन एग्जाम्पल। नाउ इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया इसलिए इसके ऊपर टेम्पररी निगेटिव चार्ज आ जाता है, इस तरीके से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। सो टुमारो कम अप विद दिस